बंगाल बिहार में हिंसा फैली हुई है। बंगाल हिंसा में एक की मौत हो चुकी है, 5 घायल हैं। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गुटों में झड़प की खबर भी सामने आई है। दोनों गुटों में जमकर लाठी और डंडे चले हैं। तो बड़ी खबर सीएनआरसी के विरोध से जुड़ी हुई। बंगाल हिंसा में एक की मौत हुई है, 5 घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बिहार के सीतामढ़ी में 2 गुटों में झड़प हुई है। दोनों गुट सीएएनआरसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसमें आमने सामने आ गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी से हैं, जिसे आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहां पे सीएएनआरसी का विरोध चल रहा था, उसी दौरान जो है विरोध करते करते लोग एक दूसरे के आमने सामने हो गए और हिंसक झड़प हो गई। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और अपडेट लेते हैं। धनंजय, जानना चाहेंगे बिहार के सीतामढ़ी से 2 गुटों में झड़प की खबर आई है, क्या सीएएनआरसी का विरोध चल रहा था उसके दौरान झड़प हुई, क्या कुछ अपडेट आपके पास? ये जो खबर है ये सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा प्रखंड से है, जहां भाउर चौक पर एनआरसी और सीए का विरोध में जो भारत बंद का आह्वान किया गया था विपक्षी दलों द्वारा, तो उसके दौरान 2 गुट जो कुछ गुट दुकान जब बंद करा रहे थे, बंद के समर्थक, दुकान बंद कराने के दौरान जो है कुछ ऐसे लोग जो एनआरसी सीए के समर्थन में है उनके साथ हाथापाई लाठी वगैरह चल गया, जिसमें अब तक 15 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें हालत यह है कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती किया गया है। मतलब लड़ाई जो है आपसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब ऐसी अपेक्षा नहीं थी। धनंजय सिन्हा, समझना चाहेंगे आपसे हम कि ये जो सीएएनआरसी का विरोध हो रहा है, ये सीएएनआरसी लोगों को भी आपस में बांटने का काम कर रहा है अब तो? बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो बहुत लंबे समय से चल रहा है ना मामला जी, कभी भारत बंद, कभी बिहार बंद, कभी तो लगातार प्रदर्शन का जो लगातार एक सिलसिला चल रहा है, उससे लोग भी रोज रोज के बंद से परेशान हो गए हैं, सड़कें जाम है, तो कई तरह की चीजों को लेके अब जो है सड़क पर भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कुछ कुछ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसका नजारा आज सीतामढ़ी से देखने को मिला। हाँ धनंजय सिन्हा, एक चीज और आपसे जानना बहुत लाजमी है, जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक दूसरे पे लाठियां डंडे बरसा रहे थे, जैसा आपने कहा कई लोग घायल हुए हैं, बिहार पुलिस कहाँ थी? सुशासन बाबू की बिहार पुलिस कहाँ थी? प्रशासन कहाँ था? बाद में आई है पुलिस, बाद में आई है जी। जब लड़ाई झगड़ा हो गया, लोगों के सिर फूट गए, लोगों को चोटें आई काफी ज्यादा, तब पुलिस उसके बाद आई है। जैसा कि साधारणतः पुलिस के मामले में होता है कि घटना के बाद पुलिस आती है, तो वहां पर और ऐसे भी जो स्थानीय एक दो जो पुलिस पहले से वहां मौजूद थे, वो उस झड़प को रोकने में सक्षम भी नहीं थे, जब तक कि पुलिस बल और पीछे से ना पहुंच जाती। हाँ धनंजय सिन्हा, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं ये, सबसे पहले हमने ही दिखाई थी, लेकिन अब जानना ये जरूरी है कि हालात इस वक्त सीतामढ़ी में किस प्रकार के बने हुए हैं? अभी तो देखिए सड़क पर जो हंगामा हुआ उसके बाद अभी सीतामढ़ी की डीएम जो है अभिलाषा कुमारी शर्मा है जी, उनके अनुसार अब वो कर रही हैं कि अब मामला नियंत्रण में है और अब मामला सामान्य हो गया है, ऐसा वह कर रही हैं। और अभी वो उन्होंने कहा है कि और मामला ना बढ़े इसके लिए साइबर सेल को एक्टिव कर दिया गया है, जिससे कि सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर के हंगामाबाजी ना हो, इसको लेकर के वो कह रही है। हालांकि जो झड़पें होनी थी वो हो चुकी हैं, आगे ना बढ़े इसको लेकर के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा जो है अब एक्टिव दिख रही है। उनके अनुसार अब जो है तनाव पूर्ण स्थिति नहीं है, वह बोल रही तो सड़क पे अब नहीं है, लेकिन जो पीछे स्थिति है, लोगों के बीच जो चर्चा है, दुकानों पर जो चर्चा है, लोग आपस में कर रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग सीएनआरसी के पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ। धनंजय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हम चाहेंगे कि आप लगातार इस खबर पे नजर बना के रखें और जो भी ताजा अपडेट होती है उसे हमें भी रूबरू कराएं।